Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well in your life. My name is Rishi Malik and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा Access Midcap Fund Direct Growth Plan के बारे में और उसी के साथ आपको बताऊंगा कि क्या रहेगा रिटर्न, क्या रहेगा मार्केट एक्सपोजर एंड उसी के साथ साथ आप कौन सी कंपनीज और कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या रहेगा मिनिमम प्रीमियम अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एंड आप सभी को एक्सप्लेन करते हैं वन ऑफ द बेस्ट फंड एक्सिस मिडकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो अगर बात करते हैं बेस्ट टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग तो वो रहेगा एक्सिस मिडकैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस पर्टिकुलर प्लान में अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो आपका रिस्क एपेटाइट हाई होना चाहिए क्योंकि यहां पर आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है मिडिल कैप कैटेगरी स्टॉक्स, लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं 95.39% जो टोटल अमाउंट है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, जिसमें से 61.84% आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है मिडिल कैप कैटेगरी के अंदर एंड 12.29% लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एंड 8.4% जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो रहा है स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ NAV के अकॉर्डिंग, नेट असेट वैल्यू के अकॉर्डिंग, जिसपे आपको एक यूनिट मिलती है तो वो रहेगी 61 रुपीज़ की एट प्रेजेंटली। एंड अब अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स, जो रिटर्न्स इस पर्टिकुलर प्लान ने दिए हैं वो फैंटास्टिक रहेंगे। प्रीवियस 5 ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो 21.54% का कंटिन्यूस रिटर्न है एंड एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 1 ईयर यू कैन सी 45.46%। मैं अब आप सभी को एक सिंपल सा कैलकुलेशन देना चाहूँगा। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर, इन दैट केस व्हाट विल बी योर रिटर्न इफ़ यू विल बी स्टार्टिंग अ इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट विद 10,000 और 5,000 रुपीज प्रीमियम अमाउंट। तो उस केस में आपको भी पता चलेगा कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस केस में आपको इस स्कीम में कितना बेनिफिट आ रहा है। लेट्स सपोज आई एम स्टार्टिंग अ इन्वेस्टमेंट विद इन्वेस्टमेंट फॉर फर्दर 5 ईयर्स, सो उस केस में मैं आपको दिखाता हूँ 5 साल का मैंने टेन्योर रखा। अब अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और जहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का है और मैं सिर्फ से सिर्फ 5,000 रुपये ही जो है वो पे कर रहा हूँ, 5,000 रुपये के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उस केस में मेरा जो अमाउंट बन जाता है दैट इज़ अराउंड 5,22,270 रुपीज़ बाय इन्वेस्टिंग ओनली एंड ओनली 3 लाख रुपीज़ फ्रॉम माई पॉकेट। तो आप देख सकते हैं अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर तो उस केस में 5 साल के अंदर आपका 5,22,270 रुपये का जो अमाउंट है वो बन जाता है अगर हम कंसीडर करते हैं एक इन्वेस्टमेंट एक्सिस मिडकैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा अदर फैक्ट्स एंड फिगर इस पर्टिकुलर प्लान के, जो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं एक्सपेंस रेशो को लेके कि इन केस अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता हूँ तो उस केस में इस पर्टिकुलर स्कीम की एक्सपेंस रेशो क्या रहेगी। एक्सपेंस रेशो जो रहेगा वो 0.52 रहेगा, इसीलिए ही ये पर्टिकुलर प्लान के अंदर जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपकी जो चार्जेस हैं वो बहुत कम है एंड उसी के साथ साथ ओपन एंडेड स्कीम रहेगी। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू वुड लाइक टू विड्रॉ योर मनी बैक इन योर अकाउंट, अगर आप लेना चाहते हो तो उस केस में वो भी पॉसिबल रहेगा, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगी इस पर्टिकुलर स्कीम में। जैसे मैंने आप सभी को पहले ही बोला था द रिस्क विल बी हाई, तभी ही रिटर्न जो है वो भी हाई रहेगा इस पर्टिकुलर स्कीम में। एंड नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट एज अकॉर्डिंग टू द सेक्टर्स एंड द कंपनीज इन विच यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इफ यू विल बी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इन एक्सिस मिड कैप फंड, तो पहला रहेगा फाइनेंशियल सेक्टर 19.33%, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर एंड सर्विसेज। मैं आप सभी को सारे सेक्टर्स दिखाना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, FMCG, इंजीनियरिंग, मेटल, कम्युनिकेशन, एनर्जी एंड अदर्स। अब अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज, आपकी सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर, उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की सारी कंपनीज रहेंगी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल जो हमारे डेली यूज़ के अंदर हर एक प्रोडक्ट आता है वो सारी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी एंड उनका टोटल कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हो। और उसी के साथ साथ मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा एक सिंपल सा एग्जाम्पल दैट
इफ़ यू विल बी स्टार्टिंग अ इन्वेस्टमेंट विद 1 लाख रुपीज़ प्रीमियम अमाउंट इन दिस पर्टिकुलर प्लान एटलीस्ट फॉर 3 ईयर्स, इन दैट केस यू विल योर अमाउंट विल बी अप्रिशिएटेड विद 1,76,989 रुपीज़। इट मीन्स 76,989 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा अगर एटलीस्ट इन एटलीस्ट आप 3 साल के लिए एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अगर हम रिटर्न्स को देखते हैं कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग भी, फ्रॉम प्रीवियस लास्ट 1 ईयर 45.61% का कंटिन्यूस रिटर्न है, एज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 5 ईयर इट इज़ 21.54%। अब इसी के साथ साथ मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि मिनिमम प्राइस वैल्यू क्या है इसको स्टार्ट करने का। तो अगर मैं SIP स्टार्ट करता हूँ दैट इज़ 500 रुपीज़। अगर मैं SIP पे एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता हूँ, मंथली प्रीमियम पे करता हूँ, इफ़ आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट 5,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है मैं लमसम भी लगा सकता हूँ इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं आज अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑल्सो फर्स्ट रैंकिंग रहेगा एंड 5-स्टार रैंकिंग रहेगा मॉर्निंग स्टार एंड क्रिजल के थ्रू एंड उसी के साथ साथ वैल्यू रिसर्च। दीज आर द हाउसेज जहाँ पे हर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की रेटिंग जो है वो डिसाइड करी जाती है। तो आप भी देख सकते हैं कि इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर फंड आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में ये 5-स्टार रेटिंग फंड है एंड अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फंड एज अकॉर्डिंग टू योर टोटल अमाउंट जो आप लगाना चाह रहे हैं। तो जैसे अभी आप सभी ने देखा टोटल फंड रिव्यू जहां पर मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया NAV, रिटर्न्स, कंपनी लिस्टेड, एक्सपेंस रेशो, सेक्टर एलोकेशन एंड मिनिमम प्रीमियम अमाउंट जिससे आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को एक साइड पे रख के मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तभी आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करें, नहीं तो आप बॉन्ड कैटेगरी या मल्टी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करें एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न के साथ। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपका पैसा जो है वो इक्विटी एक्सपोजर में पूरा जा रहा है जहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरी, मिडिल कैप कैटेगरी एंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक्सपोजर आपको मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि प्लीज फर्स्ट एनालाइज योर नीड एंड रिक्वायरमेंट अलोंग विद योर रिस्क एपेटाइट, देन आफ्टर दैट डिसाइड वेदर यू वुड लाइक टू इन्वेस्ट योर मनी इन दिस पर्टिकुलर प्लान और यू वुड लाइक टू सर्च मोर प्लान्स या म्यूचुअल फंड जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट और रिस्क एपेटाइट जो है वो बिल्कुल एग्जीक्यूट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी रीजन से तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। बहुत दिनों के बाद आप सभी से इस तरीके से बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हैव अ नाइस डे दोस्तों।